सीताराम, आज हम देखेंगे कि आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में कौन कौन सी टीम जा सकती है, सेमीफाइनल और फाइनल तक कौन सी टीम के पहुंचने की उम्मीद है। चलिए हम सबके लिए एक एक कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या आरआर की टीम फाइनल तक पहुंचेगी, क्या आरआर की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल मैच तक पहुंचेगा क्या। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी आरआर के लिए, 10 ऑफ कप्स। आगे देखते हैं, पहले हम सब टीम्स के कार्ड निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, उन पे बात करेंगे। क्या एलएसजी की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा क्या? क्या एलएसजी की टीम दो आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा क्या? 5 ऑफ कप्स। क्या एसआरएच की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा क्या? गुड। क्या सीएसके की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा क्या? क्या केकेआर की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? क्या पीबीकेएस की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? द वर्ल्ड। क्या एमआई की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? द हैंगमैन। क्या डीसी की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? क्वीन ऑफ सोप्स। क्या जीटी की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? जीटी टीम। तो देखिए, कार्ड्स की जो एनर्जी है, अब हम एक एक टीम की बात कर लेते हैं। जिस जिस टीम के लिए जो जो कार्ड्स आए हैं, वो मैं आपको शो करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि कौन सी टीम के लिए कौन से कार्ड आए। आरसीबी एक टीम रह गई है, एक टीम के लिए और निकाल लेते हैं। आरसीबी की टीम रह गया है। क्या आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल मैच तक पहुंचेगा? क्या आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेगा? सबके कार्ड्स आ चुके हैं और जो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है जो टीम में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआर की टीम के लिए। आरआर की टीम के लिए जो कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब ये कह सकते हैं इसमें कोई कहीं नेगेटिविटी नहीं है। तो आरआर की टीम के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं फाइनल तक पहुंचने के। जो कार्ड की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आरआर अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आरआर की टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच सकती है, क्योंकि कार्ड ने बहुत अच्छी एनर्जी आरआर के लिए यहाँ शो की है। तो ये टीम जा सकती है। दूसरी टीम की हम बात करते हैं, एलएसजी की टीम। एलएसजी की टीम के लिए जो कार्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड ये एनर्जी शो करता है कि एवरेज कंडीशन है, एवरेज कंडीशन है। हो सकता है एलएसजी सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब सो सो एनर्जी है, 50-50 चांसेस हैं एलएसजी की टीम के लिए। तो कार्ड की ये एनर्जी यहाँ पे
जो शो हुई है वो यही है कि एलएसजी की टीम के लिए तो 50-50 चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं एसआरएच की। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही मतलब ये अच्छा कार्ड माना जाता है, हर तरीके से ये बहुत अच्छा कार्ड है, लक्की कार्ड है। एसआरएच इतने दिमाग के साथ खेलने वाली है, इतनी मतलब अपनी बुद्धिमानी चतुराई के साथ खेलेगी, और कह सकते हैं कि मतलब भगवान की ब्लेसिंग भी उनके पास है। कोई अगर समस्या आई भी तो हर ताले की चाबी भी उनके पास है। तो एसआरएच की टीम के लिए हम कह सकते हैं कि वो सेमीफाइनल तक, फाइनल तक पहुंच सकता है। कार्ड की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एसआरएच के लिए भी, तो वो जा सकता है। अब हम बात करें सीएसके की। सीएसके की टीम के लिए जो कार्ड ने एनर्जी शो की है वो ये है कि देखिए यहाँ पे काफी येलो येलो शो हो रहा है। सीएसके की टीम में भी काफी येलो है। तो जो मतलब जो कंडीशन है, जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चीज रुक जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है सीएसके सेमीफाइनल वन में पहुंच जाए या सेमीफाइनल तक पहुंच ही ना पाए। हो भी सकता है कि पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा ये जो इसमें जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये नेगेटिव है, और ये जो घोड़ा है वो रुका हुआ है। तो सीएसके जिस रेस का घोड़ा है, और अगर वो घोड़ा रुक जाए तो फिर कोई कैसे कहे कि वो आगे बढ़ेगा। प्रदर्शन इनका अभी देखने को अच्छा मिलेगा हमें, पर ये बात हो रही है सेमीफाइनल और फाइनल मैच की, कि फाइनल तक पहुंचेगा क्या, तो बहुत कम उम्मीद है, शायद ना भी पहुंचे। आगे अब हम देखते हैं पंजाब की टीम। पंजाब की टीम के लिए जो कार्ड आया वो बहुत अच्छा कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, और बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये। पंजाब अपना इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा तो नहीं रहा है, पर जो कार्ड्स ने एनर्जी शो की है वो तो बहुत अच्छी एनर्जी है। कार्ड तो बहुत अच्छा बोल रहा है पंजाब के लिए कि पंजाब को सेमीफाइनल तक इस बार जाना चाहिए, क्योंकि तो कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो हो सकता है, अब देखिए इसमें ये हो जाता है कि कार्ड ने तो एनर्जी अपनी तरफ से बहुत अच्छी शो कर दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अगर जो कप्तान होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उनका अगर टीम वर्क नहीं होगा, वो अगर अच्छे से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तो मैच हार ही जाएंगे ना वो लोग। तो यहाँ पे अगर उनको सेमीफाइनल तक पहुँचना है, अगर उनको फाइनल तक पहुँचना है, तो अपने टीम को एकजुट करके उनको खेलना होगा, और साथ ही जो उनके पास अवसर आते हैं, जो उनके पास मतलब जो कहते हैं ना कि गेम के अंदर जो चांस बनते हैं कि ये मैच हम जीत जाएं, उन चांस को उनको नज़र रखनी होगी कि हाँ तो ही पंजाब आगे जा सकता है, नहीं तो पंजाब की हालत तो जो गलत निर्णय चलते हैं उस हिसाब से तो बहुत खराब है, कि वो तो जिस हिसाब से पंजाब डिसीजन लेती है, कभी किसी प्लेयर को ले लेती है, कभी कौन से प्लेयर को आगे खेलना है, कौन से को पीछे खेलना है, वो सब उनका बहुत ज़्यादा कोई अच्छा मेरे को तो समझ नहीं आता। अब बात करें एमआई की। देखिए ये जो कार्ड है एमआई के लिए आया है, इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एमआई अभी उल्टा लटका है। अभी की जो कंडीशन है उसमें तो एमआई की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, पर यहाँ पे हम जो कार्ड्स बताते हैं वो ये हैं कि स्थिति खराब है, पर यदि वो कोशिश करे, बहुत ज़्यादा प्रयास करे, तो फिर पहुँच सकता है। क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो नहीं करता, ये कार्ड शो करता है मेहनत को। आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितना कहते हैं ना कितनी तपस्या कर सकते हो उल्टे लटक के, अगर आपको सेमीफाइनल तक पहुंचना है, फाइनल तक पहुंचना है, तो उल्टे लटक के कितनी तपस्या कर सकते हो। अब वो तपस्या अगर ये कर लेगी एमआई तो पहुंच जाएगी,
वरना तो फिर इनकी भी स्टक कंडीशन हो जाएगी, फंस जाएगी ये भी। अब हम बात करते हैं जीटी की टीम की। अगला जो हमें पॉजिटिव कार्ड शो हुआ था वो जीटी की टीम के लिए शो हुआ था कि ये टीम अगर कोशिश करेगी तो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये जो एनर्जी है कार्ड की, एंजल ब्लेसिंग है इसके अंदर, वो खुद यदि प्रयास करके पहुंचे, या फिर कहते हैं ना किसी की दुआओं से, किसी के आशीर्वाद से या किसी की मेहरबानियों से पहुंचे, वो चीज़ इसमें यहाँ दिखाई दे रही है कि जीटी की टीम या तो अपने अपना दिमाग लगा के अपना मतलब कहते हैं ना आज्ञा चक्र और हृदय चक्र दोनों को एक्टिव करके और बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके वो आगे पहुंच जाएं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी की दुआओं से, किसी की मेहरबानियों से जीटी सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। तो कार्ड्स ने तो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी शो की है, कुछ खराब शो नहीं किया है। थोड़ी मेहनत उनको करनी है, थोड़ी थोड़ी सी उनको लगन और मेहनत की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं केकेआर की टीम के लिए। केकेआर की टीम के लिए जो कार्ड शो हुआ है वो भी पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, जो ये कहता है कि वो पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, लेकिन किसी के कहते हैं ना राजा का जब शासन होता है तो वहाँ पे प्रजा को उसकी बात माननी होती है। तो यहाँ पे कोई तो लीड कर रहा है केकेआर को, कोई तो उसको संभाले हुए है, जिससे केकेआर सेमीफाइनल या फाइनल मैच तक पहुँच सकता है। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है केकेआर के लिए। यहाँ पे जैसे दो तीन, ये जो तीन कार्ड आए, ये तीन कार्ड ये बताते हैं कि नहीं भैया, चीज़ें अटकी हुई हैं, आप शायद ही पहुँचो। जो LSG का कार्ड है, जो CSK का कार्ड है, जो MI का कार्ड है, वो यही कहता है कि नहीं, आप शायद ही वहाँ तक पहुँचो, आपकी गारंटी नहीं है। मतलब मेहनत हो सकती है तो पहुँच भी जाओ। जैसे GT का कार्ड है, कार्ड पॉजिटिव है, मेहरबानियों से आप पहुंच सकते हैं, वैसे KKR के भी कार्ड में यही शो होता है कि हाँ कोई है ऐसा जो आपको इस बार लीड कर रहा है, आपकी लीडरशिप में है, वो उसके अधिकार से आप वहाँ पहुंच सकते हो। बात करें RCB की, ये कार्ड सो सो एनर्जी दर्शाता है। वन साइड आपका फेस दिखाई दे रहा है, वन साइड नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब RCB की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हम नहीं कह सकते। वो शायद ही पहुँचे सेमीफाइनल तक, उनका नहीं कहा जा सकता। बात कर लेते हैं DC की, तो DC में और RCB के कार्ड में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों की कंडीशन एक जैसी है, साइड फेस दिख रहे हैं, दूसरे फेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए हम ना ही कहेंगे कि नहीं, वो वहाँ तक सेमीफाइनल तक या फाइनल तक नहीं जा सकते। तो जो जाने वाली टीमें हैं वो यहाँ कार्ड्स ने बताई है, RR, SRH और GT भी जा सकता है मेहरबानियों से। पंजाब में कार्ड ने एनर्जी काफ़ी अच्छी शो की है, पर पंजाबी अगर फैसले अच्छे लेते हैं तो पहुँच सकते हैं, वरना तो उनके भी कोई चांसेस नहीं है। KKR के चांस अच्छे हैं। बात करें MI की, तो MI का तो ऐसा है कि बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, यदि करेगी तो वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी, नहीं तो फिर नहीं पहुंचेगी, वो अटक जाएगी बीच में ही। CSK में थोड़ा सा ब्रेक दिखाई दे रहा है, थोड़ी रुकी हुई सी वो टीम दिख रही है। LSG की टीम सो सो कंडीशन में है, 50-50 चांसेस हैं, वो नेगेटिविटी भी है उनके अंदर और पॉजिटिविटी भी है, तो हम इतना ज़्यादा उसको नहीं कर सकते। जब यहाँ दो दो तीन तीन टीमें हमको अच्छी दिखाई दे रही है तो फिर इसका हम नहीं बोल पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि टैरो कार्ड्स की एनर्जीज जो हैं, टैरो कार्ड्स ने जो शो किया है कि कौन सी टीम फाइनल मैच तक या सेमीफाइनल मैच तक पहुंच सकती है। तो जो कार्ड्स ने एनर्जी शो की वही हमने आपसे शेयर की। थैंक यू।